73 एमजी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इस बर्नर इस हॉब की स्टार्टिंग करते हैं 73 एमजी। तो शुरू करते हैं, ये जो हॉब है ये 77 सेंटीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है 20 इंचेस है। तो 20 इंचेस डेप्थ होने से और 77 सेंटीमीटर दैट मीन्स 30 इंचेस विथ होने से बेनिफिट ये आता है कि ये बहुत स्पेशियस होता है और इसमें आप बहुत बड़े यूटेंसिल्स प्लेस कर सकते हैं। इसकी इस प्रोडक्ट के कुछ बाकी एडवांटेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आते हैं डाई कास्टेड कास्ट आयरन पेन सपोर्ट्स जो कहीं से भी जॉइंट्स लेस होते हैं और वेल्डिंग नहीं होती इनके अंदर। दूसरा, इसकी रफ कोटिंग होने की वजह से ये एंटी स्लिप होते हैं, जो भी यूटेंसिल्स आप इस पर प्लेस करते हैं वो स्लिप नहीं होते। इस हॉक में मैट फिनिश दे रखी होती है, मैट फिनिश का बेनिफिट होता है कि ये अपने स्क्रैचेस को अपने आप हील करता है और ये फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट होता है, जो भी हाथ के स्पोर्ट्स आते हैं वो इस पर बिल्कुल नजर नहीं आते। दूसरा, ये टोटल ब्रास है, इसका जो टॉप है वो भी फोर्ज ब्रास बर्नर है और जो बेस है जिसको हम स्प्रेडर बोलते हैं वो भी टोटल ब्रास है। इसका बेनिफिट ये होता है कि कुछ सालों के बाद जो बीच में से फ्लेम आती है वो इसमें फ्लेम का इशू नहीं आता है। ये ऑटो इग्निशन के साथ में आता है, इंटीग्रेटेड ऑटो इग्निशन होता है, जैसे ही आप नॉब को टर्न करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। इसमें एक और एडवांटेज दे रखी है जो उसको गुड लुकिंग भी बनाती है, वो है इसका एज गार्ड प्रोटेक्शन। ये एज गार्ड प्रोटेक्शन बहुत ही गुड लुकिंग लगता है, साथ में ये ग्लास को भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें एज गार्ड आता है जो इसके ग्लास को प्रोटेक्ट करता है कॉर्नर से ब्रेक होने पर। दूसरा, ये देखने में भी बहुत गुड लुकिंग लगता है। इसके जो नॉब्स हैं वो हीट रेजिस्टेंट मेटल नॉब्स होते हैं गोल्डन रिंग फिनिश के साथ में, जो बहुत ही एलिगेंट और मैचिंग होता है इसके साथ में। और इसके अंदर 8 टाइम्स टेम्पर्ड ग्लास दे रखा होता है जो किसी भी नॉर्मल ग्लास से 8 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। एक और बेनिफिट है, ये जो बर्नर है ये कंसील बर्नर्स होते हैं, तो अगर कुछ भी इसके ऊपर गिरेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा सील्ड होता है, नीचे कुछ भी नहीं जाता और ये नीचे से भी बहुत अच्छे तरीके से पैक होता है। तो अगर आप जब इसको बिल्ट इन कराएंगे तो बिल्ट इन होने के बाद में कुछ भी स्लैब के नीचे नहीं जाता है। इसमें एक ट्रिपल रिंग बर्नर आता है जिसको हम वॉक बर्नर भी बोलते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसकी फ्लेम बहुत ही ब्रॉड होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्लेम आती है। ट्रिपल लेयर फ्लेम होता है जिसमें होता यह है कि ये 3 लेयर ऑफ फ्लेम देता है, एक फ्लेम यहाँ से आएगी, एक यहाँ से और एक सेंटर से इसकी फ्लेम आती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। आई एम जितेंद्र महेश्वरी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियोज देते रहे, इसी तरह से एजुकेटेड करते रहे। और आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप डिस्क्रिप्शन पे हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ब्लेन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी इंक्वायरी हम आपको सेटिस्फाई करते हैं।